जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी बड़ी अपडेट्स से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम बता दें कि चेन्नई सुपर किंग का सुपर फैन है और चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग का सुपर वाला फैन है तो यह हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब बात करें उन सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में जो चेन्नई सुपर किंग से निकल के आ रही है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा अपडेट है दीपक चाहर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने देखे थे कि दीपक चाहर इंजरी की वजह से पिछले मुकाबले में अपने पूरे स्पेल भी नहीं कर पाए थे। ऐसे में दीपक चाहर को लेकर बड़ी अपडेट है। बता दें कि दीपक चाहर लगभग कंफर्म है कि अगला मुकाबला है वह नहीं खेल पाने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। ऐसे में दीपक चाहर की जगह पर कौन खेलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल उठ गया है चेन्नई सुपर किंग में। तो दोस्तों बता दें कि मुकेश चौधरी खेलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद है कि मुकेश चौधरी बेहतर परफॉर्मेंस करे। बता दें कि मुकेश चौधरी शामिल भी हुए थे दीपक चाहर की जगह पर। ऐसे में फिर से एक बार मौका मिलेगा दीपक चाहर की जगह पर और अच्छा परफॉर्मेंस कर बता दें कि मुकेश चौधरी बेहतरीन तेज गेंदबाज है। इसके अलावा बता दें कि अजिंक्य रहाणे को लेकर समझ में बात आ नहीं रही है कि कंटिन्यू फ्लॉप कर रहे हैं। जहां सभी टीमों के ओपनर बल्लेबाज कमाल का शुरुआत दे रहे हैं तो वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अजिंक्य रहाणे से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने 10 इनिंग में मात्र 199 रन बनाए हैं और बता दें कि यह बतौर ओपनर खेले। अगर बतौर ओपनर इतना खराब परफॉर्मेंस है तो दोस्तों टीम के लिए मुश्किलें बढ़ ही जाती है, क्योंकि नीचे आते आते तक मुश्किलें बढ़ जाती है। सपाट पिच होती है वहां पर और भी मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सभी टीमें वहां पर बैटिंग जबरदस्त करती है और फिर चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं चल रहा है, यह समझ से परे है। ऐसे में हमें लगता है कि रचिन रविंद्रा को मौका देना चाहिए, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक कमाल के खिलाड़ी है। भले ही एक दो मुकाबले में फेल किए लेकिन यंग है और आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए अजिंक्य रहाणे की जगह पर रचिन रविंद्रा को मौका दिया जाए, हमें यह लगता है। या फिर हमें शेख राशिद से भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कुछ बदलाव करना जरूरी है चेन्नई सुपर किंग को। इसके अलावा बता दें कि चेन्नई सुपर किंग से बेहद ही बड़ी अपडेट है। यह दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग अगला मुकाबला जो कि धर्मशाला में ही खेलने वाली है पंजाब किंग्स के खिलाफ 5 मई को, और यह मुकाबला करो या मरो वाला होगा चेन्नई सुपर किंग के लिए। अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो फिर पंजाब किंग्स को पटकनी देनी ही देनी होगी इस मुकाबले में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार पंजाब किंग्स को हरा पाएगी चेन्नई सुपर किंग या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।